हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए मैथ्स की डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज आप लोग मैथ्स को समझते हो कि इसमें सिर्फ प्लस माइनस एडिशन यही कुछ है और ये हमारी ज़िंदगी में काम आने वाला नहीं है। लेकिन आज जो हम आपको मैथ्स की मैं पीपीटी दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी की जान बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन चलो, उससे पहले मैं आपको हमारे जिन टीचर्स ने मैथ्स आपको पढ़ाना उनके उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले मिसेस मंजू मनचंदा मैम है, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं और लेक्चरर ऑफ इन मैथमेटिक्स भी हैं, और शी हैज़ 32 ईयर एक्सपीरियंस। एंड द सेकेंड माई सेल्फ मिसेस पूनम गोयल, ओके, एंड मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है मैथ पढ़ाने का। After introduction, I am going to introduce what is the mathematics. Math है क्या, कहाँ से आया है, हम इसको क्यों सीख रहे हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। मैथ की डेफिनेशन जो है, लेकिन उसको अगर पढ़ के देखा जाए तो सिंपल ये एक कैलकुलेशन और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इन्हीं से हमारे पास डील होती है। लेकिन एक्चुअल में मैथ भी एक तरह की लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं अपने विचारों को एक या दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए। इंग्लिश ही नहीं, हिंदी हुई, पंजाबी हुई, कोई भी लैंग्वेज ले लो हम यूज़ करते हैं, उसी तरीके से मैथ्स का भी यूज़ होता है। मैथ्स का यूज़ कैसे होता है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो तो उसके लिए आप माइंड अपने ही माइंड में बात करते हो कि कैसे कितने पैसे हैं, आ सकता है कि नहीं, माइंड में कैलकुलेशंस करते हो। या किसी को कभी कोई चीज़ देनी है, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, इतना बजट है, इतनी चीज़ हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप अपने माइंड से बातें करते हो तो ये भी किससे रिलेटेड है, मैथ्स से। ठीक है, बेसिकली मैथ्स एक बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, चार बेसिक लैंग्वेज है हमारे पास, मैथ्स, लॉजिक, फिलोसफी और साइकोलॉजी। ये चारों की चारों लैंग्वेज जो हैं, ये थिंकिंग प्रोसेस हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस में जिनको हमें सोचना पड़ता है, और सोचने से जो माइंड की पावर है ना वो और बढ़ती है, माइंड जो है वो शार्प होता है। लेकिन अब मैथ्स आया कहाँ से हुआ। मैथ्स जो है, वैसे तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स हमारे पास हमें नेचर में पता चल जाती है कि कहाँ से जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ रिलेट होके उसको डिस्कस करके फिजिक्स की हमारे पास आई। प्लांट्स के बारे में स्टडी करने लगते हैं तो बॉटनी का ख्याल आ जाता है। एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो जूलॉजी के साथ आता है सब्जेक्ट हमारे पास। और इसी तरीके से जब केमिकल से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ गया। लेकिन अब मैथ सब्जेक्ट कहाँ से आता है, वही थिंकिंग प्रोसेस से। इसके लिए तो कोई भी नेचर ने ऐसी हमें चीज़ें नहीं दी हैं जिसको हम स्टडी कर ले और मैथ आ जाता। चलो, फिलहाल जो बुक्स में हमने भी पढ़ा, आपको भी बता देती हूँ मैं कि जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड एक है मैथेमा, वहाँ से आया। मैथेमा का मतलब क्या होता है, नॉलेज। और इसको दिया किसने, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने साइंस में पढ़ा हुआ है ना, वही वाले आर्किमिडीज हैं ये, और इनको फादर ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, दो मशीनों, वैसे तो इन्होंने काफ़ी मशीनें बनाई थी लेकिन दो जो इनकी काफ़ी पॉपुलर है मैं वो आपको बता देती हूँ। एक है स्क्रू पंप और दूसरा है सी इंजन। स्क्रू पंप तो आपको पता है लेकिन सी इंजन क्या है वो मैं बताती हूँ। सी इंजन एक वो डिवाइस थी जिसकी ज़रूरत लोग जो पुराने दरवाजे होते ना काफ़ी हैवी उनको तोड़ने के लिए, या मोटी मोटी दीवारें उनको तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो मैंने पिक्चर में दिखाया वो जो है वो तो काफ़ी हैवी है, लकड़ी की बनी हुई है, ये मूवेबल नहीं है। लेकिन अब जो सी इंजन बनने लग गए हैं वो तो काफ़ी मॉडिफाई हो गई हैं, और ये आर्किमिडीज ने बनाया था, ये उसकी पिक्चर मैंने लगाई है। लेकिन जो अब यूज़ होने लगे हैं ना उनके साथ तो टायर्स लगा दिए, अदरवाइज इट्स वेरी हैवी, आप इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने इसको मतलब बनाया था। लेकिन देखो बहुत काम की चीज़ देके गई है हमें वो। उसके बाद आती है ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथ्स जो है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं आफ्टर टेंथ। एक होता है प्योर मैथमेटिक्स, एक होता है अप्लाइड। प्योर मैथमेटिक्स तो वो होता है जो सिर्फ नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है, मैथ्स की डीपर स्टडी के लिए। लेकिन जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है
वो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें अलजेब्रा आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है। मैं इन सब के आपको यूजेस बताऊंगी। ये आपके सिलेबस है, ये आप ये समझ लो कि आपकी बुक का नाम भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है। वो क्यों रखा गया है? क्योंकि आप जो है प्रोफेशनल स्टडीज़ के साथ जुड़ गए हो, और आप जो भी पढ़ोगे ना, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, वो सब आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्कोप क्या है हमारे पास मैथमेटिक्स का। तो स्कोप है, ये हर फील्ड में है मैथ्स, आप इसको कहीं से नहीं निकाल सकते। आप तो सोचते हो ना कि हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो चलो बच जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ्स हर फील्ड में है। मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग। लेकिन इन सबको डिस्कस करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर किसी दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक मैं फैक्टर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो है मेडिसिन। आप ये देखो कि आप घर में किसी भी, आप भी मेरे लेक्चर के बाद आप एक पत्ता उठाते देखना, तो उसके ऊपर जो हम लेते हैं टैबलेट ना, तो उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि ये इतने ग्राम है। जैसे सपोज पैरासीटामोल है, तो इसमें पैरासीटामोल इतने ग्राम है, दूसरा ड्रग्स इतने ग्राम है। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों लिख के मेडिसिन बनती है? अगर किसी की भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाएगी तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, सब कुछ मेजरमेंट करके फिर यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में, है ना। फिर मैथ्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए और हमारी जिंदगियां बचाने के लिए। उसी तरीके से हमारे पास अगला है, अगला स्लाइड में आ रहा है कि यूजेस कहाँ पे है। डाइट, कुकिंग, कुकिंग मीन्स अगर हम कोई केक वगैरह बेक कर रहे हो, तो किसी, अगर आपने मान लो आपके मामा केक बेक कर रहे हैं और उन्होंने बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाल दिया या मैदा ज़्यादा डाल दिया, तो क्या होगा? केक बेक ही नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, प्रॉपर बनेगा ही नहीं, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग में क्या है कि आपने जाना है तो आप पहले अपना बजट तैयार करके जाओगे कि मुझे जाना है, शॉपिंग करनी है, मेरे पास 400 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, तो मैंने ये चीज़ ही खरीदनी है। ठीक है, 500 रुपये में देखोगे क्या क्या आता है, टोटल कर लोगे। जहाँ 500 रुपया टोटल करके देखा कि यहाँ ख़त्म हो गया, वहीं आपने अपनी शॉपिंग बंद कर देते हो। बिल पेमेंट्स, बजट, बजट तो होता ही है, जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी सैलरी उनको मिलती है, तो अपनी सैलरी के हिसाब से पूरे साल का एक बजट या महीने का बजट बना के चलते हैं। फिर होता है सेविंग्स, सेविंग बहुत ज़रूरी है, जैसे आजकल की क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें अगर किसी इंसान ने सेविंग नहीं की हुई है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और जिन्होंने सेविंग करी है, बजट से बजट बना के चलते हैं, उनको इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, क्योंकि कईयों की तो जॉब भी चली गई है। सेविंग इज़ मस्ट फॉर अस ना। कुछ लोग सोचते हैं कि जो मैथ्स है वो सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला और कैलकुलेशंस के साथ ही जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। नए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैथ्स क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है। पहले हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपका टॉपिक आएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा है क्या? तो सबसे पहले मैं इसका ना एक जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस करती हूँ। एप्लीकेशन वो नहीं जो स्कूल्स में लिखते हैं, एप्लीकेशन का मतलब ही यूजेज होता है। आपने 2D सुपर मारियो गेम खेली होगी, पहले वाले जो मोबाइल्स होते थे ना, अभी स्मार्टफोन्स में सिंपल वाले उनमें होती थी ये गेम सुपर मारियो। वो एक आदमी चढ़ता था ऊपर, था नीचे आ जाता था, फिर चढ़ता था ऊपर, फिर हमें पॉइंट्स मिलते थे। उसके लिए कंप्यूटर वो जो गेम थी ना, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाई गई थी, लेकिन उसके लिए एक्स और वाई का यूज़ किया गया था। क्योंकि अलजेब्रा है क्या, जब हम पढ़ते थे 8th 9th 10th में, ये लिखा होता था ना एक्स वैल्यू फाइंड करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो, तब तो हमें लगता था भाई ये क्या है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के ही काम आता। नहीं, देखा, आपकी गेम बनाने में भी काम आया। जीन्स, DNA, इनकी स्टडी को एक्सप्लेन करना हो तो वो भी एक्स और वाई की टर्म्स में बनती हैं। ये डॉक्टर्स को पता है कि एक्स और वाई में वो इक्वेशंस बनाते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप शॉप में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो आप मेंटली वही जो मैंने अभी आपको ग्रोसरी शॉप में बताया था, तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हो। एक सिंपल सी आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपके पास 50 रुपये थे, 10 रुपये की आपने गर्मी पी ली, गर्मी बहुत थी तो आपके पास 40 रुपये बच गए। अब आपने सोचा, आपका मन कराया कि हम कैंडीज़ ले लें। कैंडीज लेने शॉप पे पहुंचे तो भाई ने आपको, शॉपकीपर ने बोला कि एक कैंडी जो है वो 2.5 रुपये की। अब आपने अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि भाई 40 रुपये में मेरे पास कितनी कैंडीज आ जाएंगी, तो आप अलजेब्रा लगाओगे, 40 रुपीज़ डिवाइड कर दोगे 250 से, यूनिटरी मेथड।
तो आपके पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास 16 कैंडीज आ जाएंगी, तो मैं ले सकता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, हो जाएंगी तो ठीक है मैं ले लेता हूँ, है ना। इस तरीके से अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक रोबोट्स, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लगता है कि बस घर पे आ जाए तो सारा काम यही कर दिया करें, लेकिन कभी सोचा है कि इनको बनाने के लिए भी मैथ्स का यूज हुआ है, वो है मैट्रिक्स। और ये चैप्टर आपने पढ़ना है। एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें हम एलिमेंट्स को कॉलम और रो की शेप में अरेंज कर दे, जस्ट लाइक अ क्लासरूम, क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स हैं वो एक रो और कॉलम की फॉर्म में बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स को हटा के नंबर्स रखते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है, पढ़ाएंगे हम आपको ये। अब जो मैट्रिक्स है इसका यूज करके रोबोट्स बनाए गए, लेकिन रोबोट्स ने हमारी क्या क्या हेल्प करी। चेन्नई में इस टाइम पे एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोबोट्स ही सारा जो कस्टमर्स हैं उनको फूड जो सप्लाई करते हैं, ठीक है। और उससे भी बढ़िया, जहाँ आइसोलेशन सेंटर्स, बहुत अच्छे आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पे जो कोविड पेशेंट हैं उनको खाना देने के लिए भी ये रोबोट सर्व करते हैं। अगर ये रोबोट्स ना होकर कोई इंसान इनको खाना देने जाता तो वो कभी ना कभी इन्फेक्टेड होता, और वो एक इंसान अपने साथ कितने और लोगों को इन्फेक्टेड करता, यानी कि इन्फेक्टेड पीपल की जो रेट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाना था, और भी ज़्यादा, अभी तो अभी भी बहुत कम नहीं है लेकिन अब इससे और भी ज़्यादा हो जाना था। इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा मैथ्स जो है वो किसी की जान भी बचा सकता है, तो अब मैथ्स की वजह से इन्फेक्शन का जो कुछ रेट है वो तो कम हुआ हुआ है ना, क्योंकि उनका जो काम इंसानों ने करना था वो काम अब क्या कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड द नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को स्टूडेंट समझते हैं इसमें कुछ नहीं है, साइन कोस थीटा ये सब कुछ है, ये कहाँ काम आने लगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। जैसे कि ये यूज़ होता है रैंप्स बनाने में, कनेक्ट करने में लोअर और हायर सरफेस, स्पेशली एरोप्लेन स्टेयर केस हो गई या पानी वाले जहाज होते हैं, वहाँ पे जो है ना वो रैंप, ऐसे नहीं कि वो बिना मेजरमेंट या बिना ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ करे बना देते हैं। अगर वो ऐसा बनाते तो फिर तो हर इंसान सामान चढ़ाते हुए या सामान चढ़ाने में दिक्कत होती या इंसानों को चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी। अब तो आप बहुत ही आराम से और कंफर्टेबल वे से चढ़ भी जाते हो और सामान भी चढ़ा देते हो, वो कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ने हेल्प करी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रैम्प इन प्रॉपर वे। द सेकेंड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज इट इज यूज टू सपोर्ट अ लोकेशन ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स अगर हमने ये देखना हो कि जहाज कितनी दूर या कितनी ऊंचाई पे बन रहा है, उड़ रहा है, उसके लिए क्या होता है कि वहां से हम एक राइट एंगल बना के हमारे पास हमें पता चल जाता है, जहां राइट एंगल बन जाती है वहां पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। एंड द सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारे पास अंडर वाटर कोई भी चीज़ हो, जैसे सबमरीन या पनडुब्बी हो, तो हम सोनार सिस्टम यूज़ करते हैं। सोनार सिस्टम क्या होता है कि वाइब्रेशंस निकलती हैं, वाइब्रेशंस जो हैं वो समुंदर की गहराई में किसी भी चीज़ के साथ टकराकर वापस आ जाती हैं। टकराकर वापस आने से हमारे पास जो समय होता है वहाँ से, वो समय से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ऑलरेडी आई हैव शोड यू इन दिस डायग्राम, ठीक है, टकराकर वापस आने में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिससे फिर राइट एंगल ट्रिंग मींस ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हमारे को पता चल जाता है कि एग्जैक्ट सबमरीन की लोकेशन क्या है। ऊपर एक पानी के ऊपर भी एक हमारे पास जहाज होता है पानी वाला, वहाँ वो हमेशा साथ साथ चलता रहता है, लेकिन कई बार लोकेशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको सही ढंग से पता लगाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सबमरीन, कोई भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको ढूंढना हो, वो कितनी डूंगाई पे हैं, कितनी गहराई में, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे यूजेज है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के, बताने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, वी हैव नॉट सफिशेंट टाइम। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेंसुरेशन का मतलब किससे है, क्वान्टिटी से, मेजरमेंट से, वेट, हाइट, वॉल्यूम, एरिया। कहीं हमने पेंट करना है, कारपेट, नीचे कारपेटिंग करनी है रूम के फ्लोर की, कहीं गार्डन में फेंसिंग करनी, फेंसिंग का मतलब होता है वो जो
चार दीवारी कह देना गार्डन की, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं अगर किसी आर्किटेक्ट को दे दी जाए, ठीक है, अगर उसने मैथ्स की इन चीजों की नॉलेज नहीं है तो उसका तो सामान कितना वेस्ट हो जाएगा। अगर वो मैथ्स की कैलकुलेशन से पहले सरफेस एरिया निकाल लेगा रूम का, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा इतना पेंट लगना है। रूम का एरिया निकाल लेगा, उसको पता चल जाएगा मेरा इतना कारपेट लगना है, ठीक है। गार्डन का पेरीमीटर निकाल लेगा, तो उसको पता चल जाएगा मेरी इतनी फेंसिंग लगनी है। तो उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो कम हो जाएगा, फिर उसको प्रॉफिट होगा। अगर आप नहीं हो ऐसा करते हो और फिर भी ये काम कर देते हो, तो क्या होगा, वेस्टेज बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए देख लिया मैथ्स कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जब भी हम घरों में पानी का टैंक लगाते हैं ऊपर, है ना, तो वो ऐसे ही नहीं है कि हम ले आते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि उसके यूजेस कितना, हमें हमारे हमारे घर में कितना पानी की कितनी लागत है, उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा ज़्यादा देख के हमें पता है कि हमारे घर में इतना पानी हमें चाहिए 1000 लीटर तक, तो हमें ठीक है 1000 लीटर वाला टैंक लेके आना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे कम ले आओगे तब भी दिक्कत, ज़्यादा ले आओगे और भी दिक्कत, ठीक है। तो मैथ्स बेकार की चीज़ नहीं है। सारी ज़िंदगी जो भी आप फैक्टर्स देख लो अपने आस पास, देखो एक बार नज़र घुमा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स कितना ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इससे आप, इस सब्जेक्ट से आपने दूर नहीं भागना, इसको और इंटरेस्टिंग वे से लर्न करना। थैंक यू।